हेलो एवरीवन, हैप्पी गार्डनिंग। तो देखिए, मेरा तुलसी जी का पौधा है, ये 1 साल का भी नहीं हुआ है और ये तब से इसी पॉट में है जिसमें लगा है, छोटे से ही पॉट में। एक डब्बा सा है ये। अगर ये बहुत ही बड़े पॉट में होता, जितने भी बड़े पॉट में होता तुलसी जी उतनी ही बड़ी हो जाती। बहुत बड़ा साइज, पॉट के साइज़ पर डिपेंड करता है पौधे का भी साइज़। जितनी मिट्टी मिलेगी उतना ही पोषण प्लांट को मिलेगा, उतनी ही इसकी हाइट भी बढ़ेगी और आकार भी। इन्हीं वाली तुलसी जी का वो वीडियो शेयर किया था मैंने, और कैसे मैंने गर्मी से केयर की है वो सब उसी वीडियो में मैंने बताया था, कैसे खाद दी थी मैंने। तो अब मैं देख रही हूँ कि देखो ये कितना छोटा सा पॉट है। मैं सोच रही हूँ कि बड़े पॉट में लगा दूँ इनको, लेकिन अभी तो नहीं हो पाएगा। मिट्टी भी गीली है क्योंकि बारिश होती रहती है, तो गीली मिट्टी में अगर जो हम फिर प्लांट को निकालते हैं तो जड़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो देखिए, मैंने आपसे बताया कि सूखी लकड़ी ये दिखाई दे रही है ना, जहाँ से इस तरीके से जगह जगह पर है वही मैंने कट किया था, तब ये न्यू ग्रोथ है। और पत्तियाँ देख सकते हैं आप कितनी हरी भरी हैं। और मैंने दो बार तो मैंने मंजरी भी हटा दी है तुलसी जी की, और उससे जैसे मंजरी हटाते रहते हैं, पिंच करते रहते हैं, तो तुलसी जी घनी होती रहती है। बस यही बहुत आसान तरीका होता है घना बनाने का। तो और कुछ हमें जैसे फंगस वगैरह का बरसात में ध्यान रखना पड़ता है, ड्रेनेज होल मतलब नीचे से पॉट के काफ़ी बड़े बड़े होने चाहिए और साइड में भी होल होने चाहिए ताकि उसमें पानी जमा ना हो, क्योंकि पानी जमा होने से फिर जड़ें ख़राब हो जाती हैं। जैसे ही जड़ें ख़राब होने लगती हैं हमारा पौधा जो है फिर ग्रोथ ही नहीं कर पाता, क्योंकि सारा पोषण जो है वो अपनी जड़ों से ही लेता है। और जब जड़ें गलने लगती है तो बिल्कुल ग्रोथ रुक जाती है, पीली पत्तियां होकर झड़ने लगती हैं, मुरझा जाती हैं पत्तियां, लगता है कि पानी है पॉट में लेकिन फिर भी हमारा प्लांट मुरझा रहा है। वो इसीलिए होता है ज़्यादा पानी की वजह से। तो देखिए, ये मंजरी जो आ गई है फिर से, मैं हटाऊंगी इस मंजरी को भी, तब और भी प्लांट घना होता चला जाएगा और बड़े पॉट में मैं इनको लगाऊंगी। आज तो नहीं, अभी मेरे पास कोई पॉट भी नहीं है बड़ा सा। देखिए वहाँ पर जो तुलसी जी रखी हैं वो श्यामा तुलसी जी हैं, वो भी मैंने 2 बार पिंच किया है उनको, बहुत ही छोटी सी लगाई थी मैंने। और सभी ये सीड से ग्रो हो गई हैं। मैं सीड्स वैसे तो नहीं ग्रो करती स्पेशली, लेकिन कहीं पर भी पॉट में तुलसी जी ग्रो हो जाती हैं और आप सीड से ग्रो आसानी से कर सकते हैं। मंजरी रख दीजिए आप बस मिट्टी पर, मंजरी सूखी हुई होनी चाहिए और थोड़ी सी क्रश करके आप मिट्टी पर डाल दीजिए, वहाँ से बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे। अब तो बहुत ही जल्दी हो जाएंगे बरसात में। तो देखिए, ये जो मंजरी है मैं हटा दूंगी, और बहुत ही प्यार से हटानी होती है, ऐसे नहीं कि चाकू कैंची लेकर या नाखून से हम इसको काटें। देखिए, तुलसी जी हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही जो है पवित्र पौधा है। तुलसी जी की हम रोज़ पूजा भी करते हैं, तो हमें बहुत ही हल्के हाथों से मंजरी को हटाना है। ऐसे देखिए, एक हाथ से नहीं हटाई जा रही है, मैं दोनों हाथ से आराम से हटा दूंगी। एक हाथ से टहनी को पकड़ करके दूसरे हाथ से मंजरी को तोड़ दूंगी। देखिए, मैंने मंजरी तोड़ दी है सभी, और एक मंजरी छोड़ी है मैंने, क्योंकि अगर एक मंजरी नहीं छोड़ूंगी तो फिर सीड्स तो कभी बनेंगे ही नहीं। अगर जो मैं हरी मंजरी हटाती रहूंगी और पकने नहीं दूंगी तो फिर नेक्स्ट ईयर प्लांट्स कहाँ से ग्रो होंगे। तो एक मंजरी से ही बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही बारीक बारीक से सीड्स होते हैं। तो देखिए, मैंने यहीं पर फ़िलहाल इसी पॉट पर ये मंजरी रख दी है। ग्रीन है ये, तो इसी में मिट्टी में अभी ब्लैक ब्लैक सी हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी मिट्टी में ही, क्योंकि बरसात चल रही है। तो एक मंजरी मैंने रख लिया, जब ये पक जाएगी तो मैं यहाँ से तोड़ करके रख लूँगी। तो क्योंकि हम निराई गुड़ाई करते रहते हैं पूरे साल के साल, तो हमारे पॉट में पता नहीं रहता कहाँ पर कोई सीड्स है कहाँ पर नहीं। तो ये प्लांट भी दूसरे पॉट में ही ग्रो हो रहे थे अदर प्लांट्स के बीच में, तभी वहाँ से निकाल कर मैंने इस तरीके से दूसरे सिंगल पॉट में, मतलब कोई पौधा नहीं होना चाहिए, तुलसी जी का ही पौधा होना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम पूजा करते हैं तुलसी जी की, और कुछ दिन भी होते हैं रविवार और एकादशी को हम पानी भी नहीं देते हैं तुलसी जी में,
ऐसा माना जाता है कि व्रत होता है तुलसी जी का, इसलिए पानी नहीं देते, तो बिल्कुल अलग पॉट में ही तुलसी जी होनी चाहिए। बरसात में अगर कहीं कहीं दूसरे पॉट में तुलसी जी ग्रो हो जाती हैं तो आप उनको दूसरा उनके लिए ही एक पॉट दे दीजिए अलग से। तो आपको तुलसी जी की जानकारी कैसी लगी? ये मेरी रामा तुलसी जी हैं और दूसरे पॉट में श्यामा तुलसी जी हैं। रामा तुलसी जी इस तरीके से ग्रीन होती है और श्यामा तुलसी जी के पत्ते कुछ डार्क होते हैं, ब्लैक ब्लैक से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।